सब्सक्राइब करें वक्त तक चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें न्यू वीडियो अपडेट्स डेली हासिल करने के लिए। दोस्तों, नेट न्यूट्रलिटी के बारे में तो हमने कई बार सुन रखा है और हम हैरान होते हैं कि ये क्या चीज है जिसके बारे में लोग डिफरेंट जगह पे बात कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी आपको इस वक्त इस बारे में वीडियोस मिल जाएंगी मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से। तो आज आप इस वीडियो के साथ रहें, आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि नेट न्यूट्रलिटी क्या चीज है, इससे हमें क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है वकी हैदर और मैं आपको वक्त टेक चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, नेट न्यूट्रलिटी यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये चीज निकल के आती है कि नेट से मतलब इंटरनेट और न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल। यानी कि अगर एक ISP, ये मैं आपको बता दूं कि ये एक लॉ है, ठीक है, जो कि ISPs पे एप्लीकेबल होता है, यानी जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं किसी भी कंट्री के, उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। ये लॉ कुछ इस तरह से है कि कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता। यानी कि अगर आप इंटरनेट के लिए पे करते हैं, अपनी अमाउंट जितनी भी पे करते हैं और आप 1 GB बाय करते हैं, तो आप उस 1 GB को किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप फेसबुक चलाएं, यूट्यूब चलाएं, विकिपीडिया चलाएं, अमेजोन चलाएं, कोई भी, यानी कि किसी भी किस्म की वेबसाइट चलाएं, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स को चलाने के लिए डिफरेंट अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो एक सिंपल सी बात है। आप कहेंगे कि ठीक है यार, ये तो सिंपल सी बात है कि हाँ, अगर हम इंटरनेट बाय करते हैं तो सिंपल हमें यही मिलता है कि हम किसी भी वेबसाइट को संजय सर्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बना क्यों है, ये क्यों यहाँ पे आजकल उठाया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि कई बार इस तरह होता है, कई बार इस तरह हुआ है, पाकिस्तान की बात करूं या इंडिया की बात करूं, तो हमारे जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं वो ऐसा करती हैं कि आपको फेसबुक फ्री मिल जाती है, आपको व्हाट्सएप फ्री मिल जाती है, और इस तरह की जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो कोई एक पर्टिकुलर या पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट्स आपको फ्री में यूज करने देते हैं, या फिर आपको उसके लिए एक पैकेज बना देते हैं कि आपने 15-20 रुपए में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं और इतनी देर के लिए कर सकते हैं। तो नेट न्यूट्रलिटी इस चीज के खिलाफ है, आप ये चीज नहीं कर सकते। इसका फायदा ये होगा, फायदा उन्हें तो होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट को बना देते हैं कि हाँ आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, और जो वो वेबसाइट है वो उन कंपनीज को पैसे पे करती हैं इस चीज के लिए, और फायदा उन कंपनीज का होता है क्योंकि उन कंपनीज के यूजर बढ़ते हैं। क्योंकि अब आप अगर व्हाट्सएप या फेसबुक के लिए इंटरनेट पे करते हैं, इंटरनेट के पैसे पे करते हैं, तो आप तो सिर्फ वो 2 वेबसाइट यूज करेंगे, उस तरह की उसी नौयत की किसी भी और वेबसाइट को यूज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, वहां पे मोनोपोली आ जाएगी, और फेसबुक और व्हाट्सएप और इस तरह की जो भी वेबसाइट्स आपने चूज की हैं, आप सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को चूज कर पाएंगे, और ये चीज खतरनाक होती है न्यू स्टार्टअप्स के लिए। मतलब कि फर्ज करें, आपने अगर आज एक अपना सोशल नेटवर्क बनाया, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, ऐसा भी नहीं है कि आप फेसबुक के लेवल तक नहीं जा सकते, मगर वहां पे यह है कि आप अच्छा बनाएं, आप यानी कि आपका जो प्लान हो वो अच्छा हो, थोड़ा डिफरेंट हो, लोगों तक पहुंचे और लोग इसे इस्तेमाल करें। अब आपने ये सब चीजें तो कर ली, आपने एक न्यू प्लान भी बनाया, फेसबुक से अच्छी वेबसाइट भी बना ली, ठीक है, आपने फेसबुक से अच्छा डेटाबेस भी रख लिया, लेकिन हो क्या रहा है, लोग यूज कर रहे हैं फेसबुक, कंपनीज क्या फेसबुक के लिए अलग पैकेजेस दे रही हैं, फेसबुक को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो आपका सोशल नेटवर्क कौन यूज करने वाला है? ऑब्वियस सी बात है कोई भी नहीं इस्तेमाल करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको सपोर्ट ही नहीं है, आपका न्यू स्टार्टअप है लेकिन कोई आपको सपोर्ट ही नहीं करता, ना कोई मोबाइल कंपनीज, ना कोई ISPs, ना कोई भी नहीं, आपकी प्रमोशंस भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटरनेट पे आप अगर इस चीज को चला ही नहीं पाएंगे, लोग आपको यूज ही नहीं करेंगे, अगर यूज करेंगे भी तो आपको यूज करने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे पे करना पड़ेंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान अपना फायदा देखता है। आप अगर एक दो फीचर अच्छा भी देंगे तब भी लोग उन्हीं को यूज करेंगे क्योंकि वहां पे उन्हें वो काम सस्ता है। तो ये चीज है नेट न्यूट्रलिटी। अब इसके यही फायदा है कि जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू बिजनेसेस होते हैं, और जिस तरह डिफरेंट कॉम्पिटिशन वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए, यानी कि उन्हें में एक न्यूट्रलिटी आती है, और हर शख्स हर एक वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर सकता है। अब कुछ ISPs इस तरह होते हैं कि वो अगर फेसबुक और इस तरह की जो डिफरेंट वेबसाइट्स है, फेसबुक यूट्यूब, अगर हम फर्ज करते हैं कि इन दोनों का कंपटीशन चल रहा है, यूट्यूब भी कहती है मेरे पास वीडियोस हैं और फेसबुक कहती है हमारे पास भी तो वीडियोस हैं, ठीक है, तो लोग फेसबुक पे ज्यादा टाइम स्पेंड करें, यूट्यूब पे ना करें, और यूट्यूब कहे कि यूट्यूब पे करें और फेसबुक पे ना करें, तो दोनों डिफरेंट ISPs को पैसे दे के उनकी वेबसाइट को स्लो या फिर बंद करवा सकती हैं। तो ऐसी सूरत में नेट न्यूट्रलिटी हमारे काम आती है।
अब यहाँ पे देखा जाता है कि हमें नुकसान क्या है। ज्यादा नुकसान तो मुझे देखने को नहीं मिलता, यानी कि अगर हम बात करते हैं इस चीज का, हम यूजर्स का ज्यादा नुकसान तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन कुछ कंपनीज का नुकसान इस सूरत में होता है। वो कैसे? आप जानते हैं गूगल को, व्हाट्सएप को, ये दोनों, फेसबुक भी, इवन फेसबुक मैसेंजर भी, ये लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो चैट्स, वॉइस चैट्स और मैसेजेस एकदम फ्री दे रहे हैं। यानी कि आप बिल्कुल ही फ्री में इन सब चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट का तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना, वो तो हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हम इन्हें स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहे। व्हाट्सएप भी इंटरनेट में आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट के लिए आप पे करेंगे ही। व्हाट्सएप भी इंटरनेट में आएगा, गूगल भी इंटरनेट में आएगा, इसका जो जीमेल वगैरह और फेसबुक मैसेंजर भी जीमेल में आएगा। तो ये लोग वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स को फ्री देते हैं। अब मुझे बताएं, अगर हर तरफ लोग ये चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कोई मोबाइल से कॉल करेगा? क्या कोई मोबाइल पे किसी को टेक्स्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उनके पैसे ज्यादा लगते हैं और उन्हें प्रॉफिट नहीं है, तो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आके यही मसला है कि फिर वो मोबाइल कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अब खुद सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। उन्हें इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, डिफरेंट पैकेज बनाने पड़ते हैं कि उनका भी काम चलता रहे, वरना हर शख्स व्हाट्सएप यूज करे, वहीं पे कॉल, वहीं पे एसएमएस, वहीं पे वीडियो चैट करे, सब कुछ वहीं पे करे। दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।